हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो जो इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ जगह निकली है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस। डिप्लोमा बेस के ऊपर बहुत सारे ब्रांचेस के लिए जगह है, और स्पेसिफाई यहाँ पे ये किया है कि हु अक्वायर डिप्लोमा फ्रॉम अ स्टेट टेक्निकल बोर्ड अंडर द साउथर्न रीजन। जो साउथर्न में मतलब केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड पौंडेचेरी और कुछ होंगे तो वो भी आएंगे। लेकिन आपका साउथर्न रीजन। वैकेंसीज जो है वो है आपकी इस प्रकार: ऑटोमोबाइल 8, केमिकल 25, सिविल 8, कंप्यूटर साइंस 15, सिविल 10, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 40, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन बोल सकते हैं हम 6, मैकेनिकल के लिए 46। तो टोटल 158 वैकेंसीज है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका चाहिए, एग्रीगेट चाहिए आपका 60%। सेकंड चीज है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए अक्टूबर 2018 के बाद। अगर बिफोर होगा या फिर आप परसुइंग होगे या फिर रिजल्ट आपका आना बाकी होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद 1 ईयर का होगा ये, 8,000 रुपीज आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जैसे कि अप्रेंटिसशिप है ये। 30 साल आपका एज लिमिट है, 33 फॉर ओबीसी, 35 फॉर SC ST। उसके बाद में अगर आपने कभी किया है एक्स अप्रेंटिस या फिर कैंडिडेट्स अंडर गोइंग समवेयर, आप अगर कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगेन, दोज कैंडिडेट्स विथ 1 ईयर और मोर जॉब एक्सपीरियंस, अगर गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर्स एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ये भी चीज ध्यान में रखो। उसके बाद में आपको ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ना कि आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको दिखा दूंगा मैं, और नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 4 तारीख लास्ट डेट है। आपके पास बहुत कम दिन है फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसरो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बहुत अच्छा ट्रेनिंग होगा, 1 साल का यूजफुल है। अगर जो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फोटो साइज, जैसे कि उन्होंने ये भी बता दिया है कि आपको एप्लीकेशन भरने के टाइम पे आपको क्या क्या लगेगा, तो सारे आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट से लेके SC ST कास्ट, अगर OBC नॉन क्रिमिलियर से लेके सारे सर्टिफिकेट्स आप रेडी रखो। स्कैन एज अ सिंगल PDF विथ मैक्सिमम लिमिटेड साइज 800 KB। हैव टू बी अपलोडेड, तो आपको ये अपलोड करना है। तो वो करके रखिए फॉर्म भरने से पहले, आपका फोटो साइन और एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही PDF में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में एग्रीगेट मार्क्स सिक्योर फॉर डिप्लोमा में भी एंटर्ड आइदर इन CGPA और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। डाटा रिगार्डिंग डिप्लोमा एग्रीगेट मार्क्स वगैरह सब उस पर होना चाहिए, वेरीफाई होगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ना कि कोई पोस्ट करना है। सो द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन सब्सिक्वेंटली एंड पैनल्स विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट ऑफ डिप्लोमा गिविंग ड्यू वेटेज टू रिजर्वेशन कैटेगरीज। द इंडक्शन ऑफ द अप्रेंटिसशिप विल बी मेड बेस्ड ऑन द पोजिशन इन द पैनल, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट पोजिशन। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म थ्रू ऑफर लेटर बाय पोस्ट। उसके बाद में द सिलेक्टेड कैंडिडेट वाइल अप्लाई रिपोर्टिंग टू ज्वाइन हैव टू प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, वैलिडेटिंग द क्लेम्स मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आपने भरा हुआ है आपका पूरा वैलिडेट होगा। अगर कोई मिसमैच है इन नेम, एज, एग्रीगेट, तो वो चेक कर लो। डिप्लोमा, ईयर ऑफ पासिंग, सारी चीजें, क्योंकि ईयर ऑफ पासिंग बहुत मायने रखती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने यहाँ पे बता दी है। उसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का साइट, जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, अदर है तो अदर डाल सकते हो, लेकिन वो साउथर्न रीजन का चाहिए। 2018 का है या नहीं, फर्स्ट क्लास है या नहीं, वो भी पूछा है, तभी आपका फॉर्म शुरू हो सकता है। और वन मोर ईयर एक्सपीरियंस, आप वन और मोर ईयर एक्सपीरियंस आपका है या नहीं वो चेक करना है आपको, तभी आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इसरो VSSC।
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो नए डिप्लोमा होल्डर से 2018 के बाद, अगर आपके कोई फ्रेंड या कोई है पहचान वाले रिलेटिव्स, उनके साथ ये शेयर करो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता। और 1 साल का एक्सपीरियंस इसरो जैसे आपको इसमें ट्रेनिंग मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड एज फार एज द डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत नॉलेज मिलता है। लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट गए थे, बहुत अच्छा नॉलेज मिला था। तो यस, बाकी रिक्रूटमेंट्स के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हिट द बेल आइकन, ताकि नए रिक्रूटमेंट्स आपको तुरंत मिल जाए। लाइक करो, शेयर करो, अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप चैनल के आप वीडियोस में जाओगे, बहुत सारे पोस्ट अभी मैंने डाले हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। आप अगर एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भरो। बाकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें आपको इसी चैनल पे अप टू डेट मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू।